This will be made clear in the next verses. In the Vedic literature, there are many prescriptions of, of methods of performing sacrifice for some particular purpose. These are certain sacrifices. There are certain sacrifices to perform to attain good sun or to attain elevation to the higher planets, but sacrifices prompted by desire should be stopped. However, sacrifice For for the the of heart, or advancement in spiritual science, should not be given up. तो कल हम अर्जुन ने त्याग के और बारे में पूछा था शब्द के हिसाब से देखा जाए दोनों ही सिमिलर एक अर्थ के दिखाई पड़ते हैं कि सन्यास मतलब न्यास कर देना सम्यक पूरी तरह सम्यक न्यास है, त्याग मतलब वो भी त्याग त्याग कर लेना तो अभी भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े अपना मत नहीं देते हैं बोलते हैं कि काम्यानम कर्मणाम न्यासम कवयो विदु कभी लोग बड़े बड़े समझदार पंडित लोग कहते हैं कि जो काम्य कर्म को त्याग देना वही है सन्यास काम्य कर्म कहते हैं जो कर्म कामना के लिए किया जाता है जैसे मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो मैं यज्ञ करूँ मुझे ये प्राप्त हो जाए मुझे ये मिल जाए नाना प्रकार के कामना से लोग करते हैं उसको सकाम कर्म भी कहते हैं तो इस सकाम कर्म को बिल्कुल त्याग देना वो होता है कर्म संन्यास या सन्यास और फिर भगवान ने त्याग के बारे में कहते हैं कर्म फल त्यागम राहु त्यागम विचक्षण और भी पंडित लोग बिछे खंड लोग कहते हैं त्याग क्या है ना कर्म को त्याग ना करे कर्म फल को त्याग कर देना हम्म कर्म फल को त्याग करना यह त्याग और कर्म को त्याग करना यह संन्यास कर्म ना करना तो ये संन्यास और त्याग की परिचय है तो, तो कम्यान कर्मण दी परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट हस्ट बी गिव रोपाज ने लिखते हैं कि काम तो करना चाहिए फल के इच्छा बिना ये भगवान पहले भी कह चुके हैं और भगवान ने ये भी कह चुके हैं तृतीय अध्याय में कर्म योग में कि कोई भी व्यक्ति नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्मकृत काम के बिना कोई रह नहीं सकता काम करना ही पड़ेगा नहीं तो शरीर यात्रा बंद हो जाएगा शरीर चलेगा नहीं गाड़ी चलेगा नहीं काम करना ही पड़ेगा काम जैसे आगे श्लोक में क्लियर करते हैं त्याज्यंग दो का कर्म प्रा मनीष्ण जज्ञ दान तप कर्म न त्याजा चापरे कुछ कर्म को तो छोड़ ही नहीं जा सकते हम्म जो दोषपूर्ण है जो कर्म उसको छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ कर्म तो त्याग छोड़ा नहीं जा सकता हमारे व्यवहार में पांच प्रकार के कर्म हम करते हैं देखा तो सस्ते बताया गया एक है नित्य कर्म जो नित्य करना पड़ता है उसको करना ही पड़ेगा नित्य कर्म जैसे संध्या वंदना गायत्री स्नान सोच आदि क्रिया तो डेली करना ही पड़ेगा डेली उठ के स्नान करना पड़ता है तिलक लगाना पड़ता है थोड़ा संध्या वंदना करना पड़ता है इसमें नित्य कर्म है और एक प्रकार कर्म होता है नैमिति कर्म नैमित कर्म कहते हैं कोई निमित्त के कारण जैसे कोई शादी का किसी का कोई स्पेशल कर्म करेंगे किसी का श्राध है के निमित्त से कोई काम करे किसी का घर में कोई सोचो सुन मैंने किसी का देहांत हो गया कोई पुत्र जन्म हुआ कि, किसी के पिता के देहांत हो गया तो पर्टिकुलर कर्म करना पड़ेगा तो इस प्रकार कोई विशेष निमित्त के कारण जो किया जाता है तो इसको बोलते हैं ये नैमितिक कर्म हम्म तो वो निमित्त भी तीन प्रकार का होता है परिस्थितिवश कालवश और देशवश क्योंकि कोई देश में इस देश में इस इस प्रकार कर्म करना पड़ता है कोई समय में ये भी निमित्त है निमित्त अगर काल बना कि ये ये समय आएगा इस ये समय ये करना पड़ेगा तो निमित्त काल बन सकता है निमित्त देश स्थान बन सकता है निमित्त परिस्थिति में टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस काम बदलता है परिस्थिति के अनुसार तो इसे बोलते हैं नैमित कर्म और एक कर्म कर, होता है जिसको बोलता है प्रायश्चित कर्म प्राय अब सब समझते हैं हम लोग गलती करते हैं पाप करते हैं इसको दूर करने के लिए जो प्रायश्चित सिद्ध करते हैं उसको प्रायश्चित कर्म करते हैं तीन चौथा है काम्य कर्म बहुत प्रकार की कामना पूर्ति करने के लिए जो काम किया जाता है काम कर्म इस बोलते काम्य कर्म और एक कर्म होता है आवश्यक कर्म यू हैव टू डू इट या संध्या बंदना आदि नित्य कर्म इसमें कई ऐसे कर्म है जिसे शरीर चलाने के लिए वो खाना पड़ेगा कुकिंग करना पड़ेगा आपको ये कार्य जीवन चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा ये आवश्यक कर्म में आता है तो ये पांच कर्म है तो इसमें से ए, हमको कार्म तो करना पड़ेगा विशेष करके सकाम कर्म को निंदा किया गया सकाम कर्म जो कामना के हिसाब से मुझे ये चाहिए ये चाहिए बोलते इसको सब तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए लेकिन जो कर्म इस कर्म दोष युक्त है लेकिन जो कर्म करने से हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है वो कर्म नहीं छोड़ सकते जैसे भगवान कहेंगे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज है तिचा आगे कहेंगे तो पावनानी मनीषिणम ये तो सबको पवित्र करता है बड़े बड़े पवित्र लोगों मनुष्य लोगों को पवित्र करता है तो उसको किसी छोड़ सकते हैं संध्या वंदना गायत्री ये जो नित्य कर्म आवश्यक कर्म इसको छोड़ा नहीं जा सकता हम्म इसको छोड़ा नहीं जा सकता तो भगवान भी सपोर्ट करते हैं कि कर्म को ना छोड़ करके जो जो काम्य कर्म है उसको, उसको छोड़ दिया जाए और जो कर्म दोषयुक्त है उसको छोड़ दिया जाए लेकिन कुछ कर्म है आवश्यक कर्म जो करना ही पड़ेगा और उसमें फल को आशा न रख करके हम कर्म, कर्म, कर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमको शरीर चलाना है तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा भगवान आपने मत नहीं दिए हैं ये श्लोक में भगवान ने बड़े बड़े विद्वानों के मत को उद्धार करके बोले अभी अपना मत भगवान का आगे कहेंगे ये बोलते हैं कि भगवान वाच काम्या कर्म नाम न्यास काम्य कर्म को छोड़ देना कर्म को छोड़ देना काम्य कर्म को जो मटेरियल डिजायर्स के ऊपर बेस्ट जो कर्म है उसको छोड़ देना यह संन्यास और सर्व कर्म फल त्याग कर्म फल को त्याग देना वो त्याग है तो त्याग और संन्यास में डिफरेंस यही है, है कि कुछ लोग जो पहले संन्यास कर्म संन्यास करते हैं कुछ हम नहीं करेंगे कुछ करेंगे नहीं नहीं करने से अब दोष नहीं लगेगा हम बंधन में नहीं जाएंगे अरे इसे कैसे कर सकते हो करना तो पड़ेगा ही कुछ ऐसे कर्म है जो करना ही पड़ेगा हम्म तो जैसे शरीर है तो टॉयलेट जाना पड़ेगा बाथरूम जाना पड़ेगा प्रसाद खाना पड़ेगा कुछ, कुछ तो करना ही पड़ेगा यू कैनोट अवॉइड इट कुछ छोड़ के बैठा नहीं जा सकता सब कुछ छोड़ने पर भी मन वाक्य तीन प्रकार से कर्म किया जाता है शारीरिक कर्म बंद कर देंगे मन को कैसे बंद करोगे को कैसे बंद करोगे ये भी कर्म है सब तो इसलिए ये कर्म संन्यास नहीं है कुछ कुछ लोग संन्यास लेकर के सारे वर्ण धर्म आश्रम सारे कर्म छोड़ कर जंगल में चले जाते हैं पशुवत रहते हैं तो सकाम कर्म आदि काम कर्म पूर्ण त्याग कर देते हैं ये संन्यास है लेकिन घर में संसार में रहते हुए सारे कर्म करके कर्म के फल के प्रति अटैच नहीं अनासक्त होकर है ना हो भगवान आगे सठ अध्याय के शुरुआत में नुआत में अनासक्त से विषय कार्य कर्म करोती सन्यासी जोगी बोलते वही सन्यासी जो अनासक्त होकर कार्य करता है काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन उसको आशा नो अटैचमेंट तो ही वास्तविक संन्यास है त्याग थे कर्म फल को त्याग सर्व कर्म फल त्याग त्यागराग विच तो भगवान अपना मत नहीं बता है कर्म फल को त्याग करना कर्म करते रहना फल को त्याग करके ये त्याग और कर्म को छोड़ देना वह है सन्यास और रोहाजी ने लिखते हैं कि ये तो है लेकिन कुछ कर्म ऐसे है जिसको हमारा

दोष कर्म प्रा फिर भी भगवान अभी अपना मत नहीं कहते आगे कहते हैं कि ये दोष युक्त जो कर्म है उसको छोड़ देना चाहिए इसमें दोष दोष है है इसमें मनुष्य लोग ऐसा कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याजा पर लेकिन यज्ञ दान तप आदि जो आवश्यक नित्य कर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए

In the Vedic literature, which are subjects of contention. For instance, it is said that an animal can be killed in a sacrifice. it some, maintain that animal killing is completely abominable. Although animal killing is sacrifice is recommended in Vedic literature, the animal is not considered to be killed. The Vedic literature, in the Vedic literature, the animal is not to be considered. The sacrifice is to

ऑल दिस डिफरेंट ओपिनियंसिफे सैक्रीफाइशियल एक्टिविटी आर नाउ क्वारिफाइड बाई दिमसे अब भगवान ने अपना मत दिया नहीं ये बोलते हैं कि नाना प्रकार शास्त्र पुराण ऋषि मनी सब अलग अलग प्रक नहीं, नहीं, नहीं इसमें ठीक है इतना तो करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए भगवान ने अर्जुन ने पूछा भगवान को वो तो कोई पुता नहीं ज्ञानी पुराण में लेकिन भगवान देखिए सीधा को उत्तर नहीं देते भगवान कभी सीधा नहीं है अपने भगवान वो हमेशा तेढ़ाई खड़े रहते हैं तेढ़ाई बोलते हैं तेढाई समझते हैं सब तेढ़ाई है। <laughs> अरे आपको पूछा बताओ और त्याग के तत्व तो सं नहीं विचिक्षण लोग कैसे कहते हैं कबयो यो विदु मनीषण अरे भैया ये सब क्यों मुझे बोलते हैं मैं आपको पूछ रहा हूँ आप बताओ अब तीन श्लोक ऐसे करे कंफ्यूज डाल कर फिर बताएंगे आगे हम्म अब कल से सुनेंगे कि क्या भगवान ने कहते भगवान बहुत होशियार भगवान है ना आपने मत को सारे लोगों को सारे उठा दिए ये इसे कह रहे हैं यही से कह रहे हैं यही से कह रहे हैं और इस प्रकार कंफ्यूजन में डाल कर ऐसा है दिस mm. इज स्टाइल भगवान बोलते हैं तो इस प्रकार सन्यास और त्याग सन्यास को तो, तो बोल दे कि नहीं कर्म करना पड़ेगा कर्म सन्यास नहीं जो काम में कर्म छोड़ दो उसको करना नहीं शुण शुण भी बट जो सब को त्याग नहीं कह सकता कर्म फल को त्याग करना चाहिए ये कहते हैं त्याग न करके कर्म करो उसको फल को त्याग करो मतलब तो फल में आसक्त मा, मत हो लेकिन कुछ फल है जिसको त्याग नहीं किया जा सकता कुछ देखने कर्म जैसे जगह दान अथ प्रक्रिया तो आगे भगवान क्या कहेंगे ये बात काल सुनेंगे ओके थैंक यू सो मच महाराजन करने के लिए कि त्याग और त्याग और सन्यास में क्या डिफरेंस होता है I think मुझे तो क्लियर नहीं था इतने अच्छे तरह से बट थैंक यू सो मच टेलिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क और एनी रियलाइजेशन अपलाइन क्वेश्चन

ये कोई पांचों कर्मों पे अप्लाई हो सकती है आरभ सीधे भक्ति तो भक्ति की बात है देखिए कर्म भगवान ने कहे कर्म का अधिकार भागवत में कहते हैं बोलते हैं कि एक है लोग कर्म करते हैं वो, कामना बहुत सारे कामना है उसकी पूर्ति करने के, के लिए कर्म करते हैं और एक वो होते हैं कि उनको वैराग्य के प्रति रुचि एक, एक ज्ञान मार्गी एक कर्म मार्गी एक ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी तीन प्रकार के मार्ग होता है कर्म के लोग उनको बहुत प्रकार के डिजायर है कर्म करते हैं कर्माधिकार है और बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बहुत लोग कहते तो बिल्कुल वैरागी काम ही नहीं करेंगे काम छोड़ देंगे अरे काम छोड़ देंगे तो और कुछ लोग होते हैं वो काम के प्रति भी अटैच नहीं है कि इतने वैराग्य भी नहीं हो सकते हैं वो बीच वाले हैं तो बीच वाले जो हैं वो है भक्ति वो इतने डिटैच भी नहीं है और इतने काम के प्रति भोगी भी नहीं जो ज्यादा भोग नहीं चाहते हैं ज्यादा वैराग्य भी नहीं चाह वैराग्य भी नहीं चाहते हैं वो बनेंगे भक्त तो जो सुख नहीं वो बनेंगे ज्ञानी जो हमको चाहिए चाहिए वो बनेंगे काम ही तो इसलिए आप भक्ति की बात कह रहे हो ये तो दोनों से अलग है आरोप सीधा भक्ति इसको कहते हैं कि हम आरोप मतलब आरोप लगा देना स्टाम्प लगा देना मैं बोलता हूँ स्टाम्प लगा भक्ति हम भक्ति तो है ही नहीं लेकिन भक्ति के स्टाम्प लगा कर लेवल देखो भक्ति है है नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ ना जैसे हम हमको खाने का मन करता है अभी ठंडी है गरम गरम पकोड़ा खाने के लिए मन कर रहा है तो पकोड़ा बनाए ये यही बना ये पकौड़ा बना ऑर्डर दे कर सब्जी खरीद के लाए हमारा लिए बनाए वही तुलसी इस प्रकार बनाए चाट मसाला डाल करके चकाचक अब खाने के समय बोले हे हम भक्त हैं भोग लगा कर खाएंगे लगा भोग फटाफट फटा, तुलसी पत्ता इतने सारे डाल करके थाली में ले करके अब बैठे अरे ठंडा हो जाएगा क्या भोग लगा रहे ताली मार उठा थाली <laughs> अब लाकर खाएंगे भगवान को खिलाने भी नहीं देंगे क्योंकि क्योंकि सब्जी हम अपना इच्छा से खरीदे अपना इच्छा से बनाए अपना इच्छा से, अपना इच्छा से तो पूरे अपना लिए किए लेकिन हम प्रसाद खा रहे हैं। तो ये भक्ति का स्टाम्प लगाते हैं आरोप लगाते हैं भक्ति का भक्ति नहीं है तो भक्ति क्या है भक्ति है जो शुरू से भगवान के लिए ही करना अपना पन हट गया उसमें मेरे लिए चाहिए नो मैं तो कृष्ण के दास हूँ कृष्ण की प्रसाद भोजी में मैं अलग नहीं खा सकता हूँ कृष्ण जो खाएंगे मैं वही खाऊंगा कृष्ण अगर आज आप पकोड़ा नहीं खाएंगे हलवा खाएंगे मैं हलवा खाऊंगा आज परोटा खाएंगे कृष्ण आज अगर सादा जूस पीएंगे ना सब्जी खरीदूंगा ना मेरे लिए कुकिंग करूंगा ना मेरे लिए मेरे लिए नथिंग नो प्लानिंग फॉर मी आरोप में ऑल प्लानिंग फॉर मी कृष्ण का नाम केवल जुड़ना है ये आरोप आ गया समझो एनी अदर क्वेश्चन आवश्यक कर्म? आवश्यक कर्म शरीर चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है दिन जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जो, करना है। प्रकार आप जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है जो कार्य मुझे करना ही पड़ेगा तो इसको बोलते हैं आवश्यक कर्म नित्य कर्म होता है संध्या वंदना ध्यान जो नित्य प्रति करते है ना जिसे जिसे स्नान आप करते हैं उसको कुछ लोग आवश्यक मानते हैं कुछ लोग नित्य मानते हैं क्योंकि अधिकांश देश है जो तो महीना में एक बार स्नान करते हैं जरूर थोड़ी ठंडी के समय हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं जो स्नान करते नहीं है लेकिन कभी कभी ठंडा गर्मी वेदर देख करके गर्म पानी में स्नान करते हैं बोले हो आई टेकन बाथ बाथ आई फेस्टिवल तो इसको आवश्यक समझे तो के लेकिन हम लोग के क्षेत्र में तो नित्य है आवश्यक नहीं के क्षेत्र में आवश्यक कर्म होता है तो इसी प्रकार जब जरूरत के हिसाब से जो काम किया जाता है यह जरूरी है करना ही पड़ेगा तो आवश्यक कर्म हम लोग जो उसको डेली डेली करना ही पड़ता है जैसे हमारे लिए जप है नित्य कर्म प्रतिदिन सुबह उठ के जप करते हैं जप क्लास नित्य कर्म लेकिन जो बाकी लोग होते हैं अरे ये क्या हो गया दिमाग खराब हो गया बुढ़ापाना आ गया क्या अभी तो तभी जो आवश्यक पड़ेगा तब करेंगे अभी अभी आ रहा है अभी ना हम लोग मर, मरते समझ ले, ले रहा है अभी मर थोड़ी रहा तो आवश्यक समझेंगे उसको है ना नहीं और अभी क्या आवश्यक समझते हैं ना बढ़िया हलवा खाओ बना करके अभी बेड बन लगा कर सो जाओ इधर चलना है फिल्म जाना है जितने सब जिसको आवश्यक समझते हैं उसको आवश्यक मान कर करते हैं थैंक यू So, yes, बट जैसे कि मैं कुछ कर रही हूँ तो फिर मेरा फोकस मोस्टली उसके रिजल्ट पर ही जाता है बार बार और अगर उसका रिजल्ट जैसे कि एक्सपेक्टेड नहीं आता है तो फिर मुझे बहुत ही ज्यादा लो फील होता है ऐसा लगता है कि रिजल्ट पे मेरा ही होल था तो वो कैसे हाँ देखिए हमको कर्म का काम करने का प्रेरणा नहीं मिलेगा जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे कोई बताता गया कि ये फायदा है तो हम बहुत उत्साहित हो जाएंगे काम करने के लिए फायदा नहीं तो काम करने के लिए उत्साहित नहीं उत्साही नहीं होगा तो इसलिए जो कर्म करते हैं उसके फल को भी हमें पहले जान लेना चाहिए कर्म करने से क्या परिणाम मिलेगा <स्थ> लेकिन परिणाम को आशा करके कर्म करेंगे परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर दुखी हो गए तो इसलिए इस ड्यूटी यू आर ए स्टूडेंट सो ड्यूटी इज टू स्टडी आप उसमें अटैच मत हो कि नहीं मुझे इतने परसेंट जाना चाहिए ये करना चाहिए ए तो फिर फिर हो नहीं होगा तब रहोगे तो इसलिए ऐसा से अटैचमेंट नहीं बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी टू स्टडी सो एज मैटर पॉसिबल आई कैन डू इट बट विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट तो ठाकुर जी के ऊपर है मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ और जो फल है इसमें आप संतुष्ट रहेंगे अगर अटैच होकर करोगे तो फिर दुखी होगा है कि नहीं इसलिए आप दुखी हो रहे लो फील कर रहे हैं क्योंकि है। okay? अटैच हो गए ओके अनुज अंजु माता जी हरे कृष्ण महाराज जी महाराज जी एक आपने अभी बताया कि जो हम भोग लगाते हैं वो अपने लिए करके और फिर भगवान को लगा देते हैं तो वो रोज तो यही हो मतलब किस तरह पता लगाए रोज तो ये भक्ति नहीं करते भक्ति का स्टाफ लगाते हैं काम अपना करते हैं भगवान का नाम लगाते हैं है ना कैसे महाराज जी फिर अपने में करें शुरू से भगवान के लिए जैसे अपने लिए करते हैं आपने को हटा कर भगवान को जोड़ो मैं मेरे लिए करूं नहीं मैं भगवान के दासी हूं मुझे भगवान को जो पसंद है वही करूंगा भगवान के पसंद को पसंद पसंद पता किया आपने केवल कि ढूंढते तो फिर कैसे तो पता तो करे महाराज जी तो किसी को पूछो ना जिनको पता है भगवान के बारे में जिसे आपको क्या चाहिए आपको पूछना पड़ेगा है ना नहीं भगवान को क्या चाहिए भगवान गीता में कहते हैं क्या चाहिए अब भगवान के जो निजी जन है सेवक करते हैं उनको पता है तो उनसे पता लगा कि भगवान की सेवा करना चाहिए अभी जो महाराज जी भगवान का नाम लगाते हैं महाराज जी अभी जैसे बच्चे हैं तो फिर किस तरह उसको कल्टीवेट करें पूरा फैमिली में कृष्ण के हैं और कृष्ण के दास हैं आप कृष्ण की दासी हैं सब कृष्ण की संपत्ति है ऐसे मानना है भक्ति अपना जहां आ गया

प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम है सन्यास के लिए कैसे प्रैक्टिस करें गृहस्थ आश्रम में इतने तकलीफ है कि हमेशा तो छोड़ करके टू <laughs> मच फॉर मी प्रैक्टिस क्या करोगे ये तो धक्का देकर निकलना चाहता है अगर को निकलना नहीं चाहता है भगवान ने इसे व्यवस्था किया है कि आपको निकल लेना चाहिए छींच कर निकाल देंगे तो एक्चुअली सन्यास और कुछ नहीं है हम अगर अपना जीवन के ऊपर एक अच्छी तरह से नजदीक दृष्टि डालें देखिए हम आए हैं इस संसार में प्रवेश किए जिस दिन से प्रवेश किए उस दिन से दुख है कि नहीं दुख है कि नहीं अब भगवान ने बोले देखो संसार का चार फंडामेंटल प्रिंसिपल है तेरा तो जन्म होगा बढ़ोगे और फिर बूढ़ा हो गए बीमारी भी हो गए और मर मरोगे ये तो फैक्ट है चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जरा व्याधि बीच में और जन्म और मृत्यु बिगिनिंग और एंड में है अगर आप इसी के ऊपर हमेशा ध्यान देंगे इसको भगवान गीता में कहते हैं दो सही अनुदर्शन अनुदर्शन जो बार बार सोचो बार बार देखो उसको कि मुझे मरना है मरना है मरना है मुझे निकल कर जाना है मैं रह नहीं सकता हूँ किसी को रख नहीं सकता हूँ ना तो कोई संपत्ति ना तो कोई कपड़ा ना कोई पोस्ट ना कोई पोजिशन मैं कुछ भी नहीं रह सकता हूँ मुझे जाना ही पड़ेगा विदाउट एनी नोटिस धमाके से आएगा रोड में रास्ता में घर में टॉयलेट में किसी भी समय मुझे जाना पड़ सकता है इसको अगर हम सोचन चिंतन करेंगे हमेशा तो फिर बोलेंगे भैया जब जाना ही पड़ेगा कि भैया अभी 20 साल के के अंदर अंदर भी मैंने मिनट तो अगर निकल जाए घर से नहीं तो धक्का मार के पीट कर निकल दिया जाए गाली देकर करके तो जेंटलमैन हो तो क्या करे बीस मिनट अपेक्षा करेगा ना आधा घंटा पहले निकल जाएगा तो ही बात है जो विज्ञान समझदार व्यक्ति है वो फिर तब तक धक्का मार करके की खा करके गाली खा कर निकलने तक तो वेट नहीं करेंगे तो जा सौ तो तो साल के अगर मनुष्य जीवन हो तो पच्चीस साल तक तो तैयारी करो क्यों प्रवेश है मनुष्य संसार करने के लिए क्योंकि तो धर्म अर्थ काम मुख्य सब पूरा पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे जिए मनुष्य जीवन को उसको सीखने के लिए स्टूडेंट लाइफ ये ब्रह्मचर्य है अच्छी तरह से वेद शास्त्र पढ़े ट्रेनिंग ले गुरु के शरण में रहे तालीम प्राप्त करो ये पच्चीस साल बाकी पच्चीस साल भोग करो इतने भगवान अलाव किए शास्त्र ने सौ साल में पच्चीस साल केवल भोगने के लिए पच्चीस साल आपने पुत्र उत्पन्न करो वन संरक्षण करो जो भी करना है करो भोग करो जो भी धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ फिर काम भोग करो फिर मुख्य के लिए तैयारी

वो नोटिस नहीं माना तब दांत को हिलाया और निकाल दिया नारियल मूंगफली नहीं खा सकते तो प्लास्टिक दांत लगाया कोई लकड़ी के दांत लगाया पत्थर के दांत लगाया चुबाया मैं क्या करूं दूसरा नोटिस तीसरा नोटिस दिया बोले चश्मा आंख में चश्मा आ गया बोले तीन नोटिस में दिया अब फिर भी तू नहीं माना मैं क्या कर सकता बोले नोटिस नहीं दिया <laughs> तो जान का समय आ रहा है और भी नोटिस देते हैं कान बंद हो जाता कई कुछ इसे धीरे धीरे नोटिस निकल जाते हैं। तो इस सब होने से पहले पचास साल जब हो जाता है सरकारी काम से भी निवृत्ति नि, नि, मिल जाता है प्राइवेट कंपनी वाले भी निवृत्ति कर देते हैं घर वाले भी सोचते हैं उससे कुछ आशा नहीं किया जा सकता अभी ना भोग सकते हैं ना कमा सकते हैं तो इसलिए फिर हम निवृत्ति लेना चाहिए बच्चे को बोलने भैया अभी तेरा काम है तुम चलाओ तेरे तो अंदर ताकत है अभी जोश है हम अभी जाते हैं जंगल पत्नी बोलेगा हम तो चलना है तो चलो जब चलना है तो उनको साथ में ले सकते हैं और तपस्या करने के लिए बानु प्रस्ता आश्रम इज ओनली फॉर तपस्या फिर तप तब करो तपस्या किस लिए करेंगे ना तपस्या प्रैक्टिस होने के बाद फिर ना अब तो पूर्ण त्याग अभी खाना पीना सब छोड़ करके केवल मरना है उसके लिए तैयारी मृत्यु के लिए तैयारी है सन्यास मृत्यु के लिए तैयारी बिल्कुल सब कर्म त्याग करके बिल्कुल मरने के लिए तैयारी हो जाना लेकिन ये कलि में यह संभव नहीं है तो कलिजुग में जो हम सन्यास लेते हैं वो ये सन्यास कर्म सन्यास नहीं है हमारे कलिजुग में जो सन्यास है भक्ति संन्यास है हम अपने घर परिवार को छोड़ते हैं लेकिन छोड़ते नहीं पकड़ते हैं एक परिवार सात आठ आदमी का छोड़ करके पूरी दुनिया के परिवार को पकड़ते हैं देखो ना मैं कहीं मैं कहने घर में रहता हूँ कितने लोग हमारे साथ में घर में तो रहने से दो चार कोई रहता है कि पत्नी रहता है कि बेटा रहता अभी तो इतने रहते हैं गिनती नहीं कर सकते ठीक नहीं तो इसलिए छोटा छोटा स्वार्थ को छोड़ करके बृहत स्वार्थक ये इसी के लिए सन्यास इसी को त्याग करके कुछ बड़ा काम के लिए भक्ति प्रसार के लिए वसुधैव कुटुम्बकम पूरे संसार को अपने परिवार मानने के लिए अपना परिवार को त्याग करके इसमें आएंगे तो अपना परिवार भी पूरा संसार के अंदर आ ही गया पूरा संसार को अपना मानना है ये सारे भगवान का है हम ही भगवान का है ये वास्तव इस प्रकार के भगवान के लिए कर्म करने के लिए जो काय मानव को लगाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं वो है सन्यास त्रिधन धारण करते हैं, तीन है मैं आज से मन वचन और शरीर के द्वारा सभी के लिए सब प्राणी मात्र के लिए भगवत प्रसना के लिए काम करूंगा यही वास्तविक सन्यास जीवक सन्यास ये so much, के तो तो भगवान तो 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 होना चाहिए भगवान का हमारा उन्नति होता है ना उसको किसे छोड़ेगा न्याज्य पावन आनंद ऋषि महर्षि को पवित्र करता है उसको किसे छोड़ेगा जिस कार्य में गुरु कृष्ण के प्रसन्नता होता है वहीं तो हमारा उद्धार के कर्म है वो सुधी तो से सुनाएंगे और क्या वन क्वेश्चन कि yes. जैसे मैरिड वुमेन है या हम लोग है हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए वुमेन त्याग और सन्यास की <laughs> त्याग और सन्यास को हमेशा सोचना चाहिए कि ये मेरा कुछ नहीं ये सब कृष्ण के दिया हुआ है और कृष्ण के लिए कृष्ण का है कृष्ण के लिए है यही भावना को मेंटेन करना ऑटोमेटिक त्याग है ना और हम छोड़ेंगे मैं सब छोड़ छाड़ चले आप आपको छोड़ देंगे आपका तो कुछ ही नहीं छोड़ेगा क्या है? क्या आपका है वो छोड़ेगा आपके छोड़ने का अधिकार ही नहीं क्या है आपका तो यही मानना मन में मान्यता रखना कि मेरा कुछ नहीं है सब कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है हो गया त्यार? तो मैरिड हो अनमैरिड हो मैरिड yes. हो अनमैरिड हो यही भावना को मेंटेन करना वही वास्तविकता त्याग यस yes, यस yes. निमित्त कर्म तीन निमित्त के कारण होता है कोई देश के निमित्त से कोई काल के निमित्त से कोई परिस्थिति के निमित्त से जो भी है कोई के निमित्त मैरिज के निमित्त के आ गया निमित्त बना ना नहीं तो नहीं होता ना मैरिज हमेशा थोड़ी ना होता